नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, तुलसी एक पौधा ही नहीं है, हिंदू धर्म में इसकी महत्ता पूजनीय देवी से कम नहीं है। दोस्तों, हिंदू धर्म में प्रत्येक घर में दो चीज़ें होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, एक तो तुलसी और दूसरा गंगा जल। दोस्तों, तुलसी एक दैवीय पौधा है। तुलसी हमारे घरों में वैद्य की तरह होती है। तुलसी को तुलसा देवी या तुलसी माता भी कहा जाता है। इसे लगाने का अर्थ होता है कि इसकी नियमित पूजा अर्चना करना और तुलसी के नीचे दीपक अवश्य जलाना है शाम को। तुलसी का पौधा नजर दोष, वास्तु दोष से हमें बचाता है, लेकिन अगर आप तुलसी के साथ असावधानी बरतें तो इसके लिए हमें पाप का भागी भी बनना पड़ सकता है। कई बार आंगन में रखी तुलसी सूख जाती है। ऐसा यदि अचानक बिना किसी कारण के होता है तो ये इशारा होता है कि घर पर कोई विपत्ति आने वाली है या कोई नजर दोष है। तुलसी घर की महारानी होती है, पटरानी होती है, भगवान विष्णु की बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती हैं। यदि घर की महारानी कुमला जाए, सूख जाए तो ये एक अशुभ संकेत होता है। इससे हमें सचेत हो जाना चाहिए। घर पर जब कोई विपत्ति आने को होती है तो सबसे पहले घर से लक्ष्मी जी चली जाती हैं, और घर की वैद्य कही जाने वाली तुलसी भी सूख जाए तो घर में रोगों का वास हो जाता है। दोस्तों, तो इस प्रकार से तुलसी नहीं सूखनी चाहिए। दोस्तों, तुलसी यदि मौसम के प्रभाव से पत्तियां गिरा रही है या फिर सूख जाती है तो इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है। ऐसा अक्सर सर्दियों में होता है। ज़्यादा ठंड पड़ने पर और कम धूप निकलने से तुलसी सूख सकती है, या फिर गमला छोटा पड़ गया हो, या फिर तुलसी में ज़्यादा मीठा मिला करके जल चढ़ा दिया गया हो, या गमले में चींटियाँ लग गई हों। इस प्रकार से किसी भी कारण से तुलसी सूख सकती है, परंतु हमें तुलसी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। उसमें खाद पानी और अच्छी प्रकार से देना चाहिए। तुलसी सूखना अच्छा संकेत नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा सर्दी से सूख जाती है तो इसमें ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। देखिए, स्वस्थ और हरी भरी तुलसी घर की सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। तुलसी एक पूजनीय पौधा है। सर्दियों में तुलसी की पत्तियां झड़ने लगती हैं तो झड़ी हुई पत्तियों को भी हमें नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें या तो गमले में या मिट्टी में दबा दें, या फिर आप उन्हें इकट्ठा करके आप कपूर के साथ जला भी सकते हैं। इससे वातावरण शुद्ध होता है और तुलसी के पत्तियों का उचित विसर्जन भी हो जाता है। अब यदि तुलसी का पौधा सूख गया है तो उसका हम क्या करें? आज के इस वीडियो में जो मेन बात है वो यही है कि जो तुलसी का पौधा सूख जाता है तो उसका हमें क्या करना चाहिए, और ऐसे क्या क्या सावधानियां रखें जो तुलसी का पौधा सूखे ही नहीं, और हमें तुलसी माता की सेवा करते समय, उनको तोड़ते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में हम इन बातों पर ही चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, आप देख सकते हैं मेरा भी तुलसी का पौधा सूख गया है, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने एक मेन तुलसी लगाई थी। मेरी ये तुलसी करीब करीब 9-10 साल पुरानी है और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, लेकिन इस बार सर्दी ज़्यादा पड़ी है तो ये सूख गई हैं। और इसके साथ साथ और गमलों में भी तुलसियाँ हो गई थी अपने आप ही इनके बीच से, तो वो सारी देखिए सूख चुकी हैं। दोस्तों, तो बड़ा दुख हुआ मुझे ये जान करके कि मेरी तुलसी माता सूख गई हैं, लेकिन ये मौसम के कारण हुआ है, कोई वैसे किसी गलती से नहीं हुआ है। तो अब इसका हमें क्या करना चाहिए, मैं ये आपको बताऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं, यदि तुलसी पर किसी भी प्रकार के बीज निकलते हैं तो आप उनसे नए पौधे उगा सकते हैं। तुलसी के बीज को आप संभाल के रख लीजिए। अब हमें इनका विसर्जन कैसे करना है, हमें इस तरीके से देखिए, ये तुलसी माता हैं जिनको हमने पूजा है बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, तो हमें इनको ऐसे ही कूड़े के ढेर पर नहीं फेंकना है, हमें इनका उचित विसर्जन करना है। दोस्तों, पुराने समय में तो तुलसी माता को गंगा जी नहलाया जाता था। अगर घर की तुलसी सूख जाती थी तो उन्हें उखाड़ करके कहीं पर रख दिया जाता था, और जब कभी गंगा जी नहाने जाते थे तो वहाँ पर उन्हें विसर्जित कर दिया जाता था। लेकिन गंगा की सफाई का कार्य चल रहा है, इससे प्रदूषण ना फैले। वैसे तो ये एक ऑर्गेनिक पदार्थ है, या फिर कह लीजिए पौधा है, तो इससे किसी भी प्रकार की कोई गंदगी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी हमें नहीं फैलानी चाहिए। तो अब इसका क्या करें? तो दोस्तों, अगर हो सके तो आप इसे तोड़ करके आप किसी गमले में दबा दें, या फिर किसी स्वच्छ खेत में, क्यारी में आप इनको दबा दें। आप इन्हें जला भी सकते हैं। और एक और तरीका है दोस्तों, तुलसी की माला।
अगर आप बनवा सके तो अपनी तुलसी को उखाड़ करके सुखा करके रख लीजिए, और कभी मौका लगे तो जहाँ पर ये मालाएं बनती हैं या फिर बिकती हैं उनसे पूछिए कि हमारे पास तुलसी है, अगर वो माला बना देंगे तो ये आपकी जो घर की तुलसी है उसकी अगर आप माला बना करके पहनेंगे तो वो कितना शुभ होगा और एकदम से शुद्ध माला होगी वो। कोई ऐसा नहीं होगा कि किसी और लकड़ी की माला बना करके दे दी आपको तुलसी के नाम पर, तो आप उसे माला भी बनवा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से सूखी हुई तुलसी का उचित प्रयोग होगा दोस्तों। शास्त्रों के अनुसार जैसे ही तुलसी का पौधा सूखता है वैसे ही एक नया पौधा जल्दी से जल्दी लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तुलसी के बिना अधूरा माना जाता है, वैसे ही हिंदू धर्म के अनुसार बिना तुलसी के घर भी अधूरा माना जाता है। सूखे हुए पौधे को हमें गंदी संदी जगह, डस्टबिन में या फिर कहीं कूड़े के ढेर पर नहीं फेंकना चाहिए, उसका उचित विसर्जन करना चाहिए। कुछ लोग वृक्ष के नीचे रखाते हैं, उससे भी वो इधर उधर फिका फिरता है, तो इससे भी तुलसी माँ का अपमान होता है, क्योंकि हमने पूजा है, देवी मान करके पूजा है, उस पौधे को हमें ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। दोस्तों तुलसी को हमें गलत समय पर भी नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार के दिन, सूर्य छिपने के बाद और एकादशी के दिन और ग्रहण के समय हमें तुलसी को नहीं छूना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, और बिना किसी कारण के भी हमें तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। जब हम तुलसी दल तोड़े तो हमें तुलसी माँ से परमिशन लेनी चाहिए, उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। यदि दोस्तों मेरा और इन तुलसा जी का करीब करीब 9-10 साल का साथ है, अब ये सूख गई हैं तो मैं इनकी जगह पर नए पौधे लगाऊंगी। मेरे इस बार सर्दियाँ कुछ ज़्यादा ही पड़ी, 4-5 दिन तो मेरी सारी तुलसा सूख गई, और भी गमलों की तुलसाएँ सारी सूख गई। तो दोस्तों मैं इनको बहते हुए किसी शुद्ध जल में प्रवाहित कर दूंगी, इस प्रकार से इनका विसर्जन करूंगी। तो आज की इस वीडियो में मैंने जानकारी दी कि सूखी तुलसा का विसर्जन कैसे करें, उनकी सेवा कैसे करें और किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कॉमेंट बॉक्स में जय तुलसा महारानी लिखना ना भूलें।